वहीं पे जोनाथन हैविंग दैट डिसेंट एडवांटेज, बट ओवरऑल इट्स गॉब्लिन। सेकंड, थर्ड पे हमारे रेक्स हैं, फोर्थ पे नकुल। ये थर्ड फोर्थ के अंदर बहुत चेंजेस है, मैंने रॉनी देख लिए, मैंने और टीम्स की भी प्लेयर देखे हैं। लेट्स सी क्या कोई अब चौथी टीम का प्लेयर आता है, अपनी जगह बनाता है यहाँ पर। अगर देखिए रेक्स के पास से इस समय 4613 का डैमेज है, अगर रेक्स के पास 5200 डैमेज चला जाता ना, रेक्स एक्चुअली सेकंड जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिनिश नंबर्स एक्चुअली जॉनथन से ज्यादा है। जॉनथन के 22, रेक्स के 24, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो पहले स्पेशल अवार्ड्स भी जीत चुका है। लेकिन इस गेम की बात करते हैं, लाड्रियला से लेकर के पोर्टो पराइजो तक हमारा फ्लाइट पास जाता हुआ लॉस लियोनेस, बीजेएमआई के अंदर सबसे बड़ा शहर, जहां पर कल के दिन हमने फाइनल सर्कल देखा था, आज फ्लाइट पाथ के एरिया पर चुमा सेरा टीम एनिग्मा फॉरएवर का जो घर रहता है वो यहाँ देखने को मिलता है। पिकाडो का एरिया जहां पर सोल करती है स्वागत, वो भी देखने को मिल जाएगा। एल्पोजो स्काईलाइट्स का घर, वहां पर भी टीमें जा सकती हैं, लेकिन सर्कल कहां बनेगा? अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना इज नॉट पॉसिबल, हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम पहला सिलेबस बता सके कहाँ सर्कल कटने वाला है। इट कैन बी ग्रेजुअल सर्कल, कोई हार्ड शेप ले सकता है, स्टार्टिंग के अंदर ही बिल्कुल कोने में चला जाए। मैप की ट्रेजेक्ट्री अगर बिल्कुल सदर्न साइड से जा रही है, देन आई विल बी रूटिंग फॉर अ टॉप राइट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का सर्कल चाहता हूँ, जहां पर हसियंदा क्रूज वैली को सेंटर मिल जाए और उसके बाद इंटेंसिटी विल बी 10/10। बट फिर से एक क्रेजी स्टार्ट आपके सामने, टीम ओआर के मेरा मार स्टार्ट, ये टीम बहुत लाजवाब है। फाइनल में मानता हूं कि ये थोड़ा सा चूक गए अपनी परफॉर्मेंस देते हुए अभी भी, बट ये टीम के अंदर जो दमखम है बहुत ज्यादा है। ओवरऑल रैंकिंग आपके सामने, नंबर 150, कहते ना 150 से बस एक अंक पीछे टीम सोल और 10 अंक पीछे कैमिनी स्पोर्ट। कैमिनी स्पोर्ट के भी मैं बता सकता हूँ चीज आसान नहीं थी, जो हमारा चौथा दिन है, पहले तीन दिन वो लिल स्लो एंड फन वाले बेसिक थे, बट आज का दिन इनके लिए अभी तक प्रूफफुल प्रूव हो रहा है। ओआर की अगर बात करी जाए, देखिए 11वें पायदान पर 80 अंकों के साथ है, आज शायद उनका गोल हो सकता है कि हम 100 का आंकड़ा पार कर लें। अगर हम ट्रिपल डिजिट ले जाएंगे तो कल के दिन खुद को वो भी कोशिश कर सकते हैं टॉप 7 टॉप 6 के अंदर देखने की, हालांकि कल के दिन की बात है, कल करी जाएंगी। बट आज की अगर बात करी जाए तो ये सर्कल आज के दिन का पहला और आखिरी मिला मार ये, इसके बाद एक रैंगल बचेगा, लेकिन ये सर्कल हसियंदा डेल पेट्रोन को, हाउस ऑफ द बॉस को सेंट्रल एरिया मान करके बैठा है, जहां जाना पसंद करती है टीम गॉड। उनके पास एक एडवांटेज होगी, इसका मतलब उनको रोटेशन करने की जरूरत नहीं होगी और सारी टीम उनके आसपास सैन मार्टिन और ओपन कंपाउंड की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। यहाँ पे हम 416 की आर इनसाइड बैक्सी पे शॉट करने की कोशिश, क्लच हिट भी करा, एक आधी बुलेट विल बी एनफ टू टेक डाउन बैक्सी एंड स्कालाइट। अभी 8वें पायदान पे उनके पास 112 पॉइंट्स है, बट हिटमैन एक अलग एंगल से यूएमपी से उनको करेंगे टारगेट एंड बैक्सी को कर दिया डाउन। बैक्सी को बचाना इज इम्पॉसिबल, स्कालाइट को अब इस गेम के अंदर 3-man ही खेलना पड़ेगा, बिकॉज दो प्लेयर जो बैक्सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो उनके टीममेट्स नहीं है बल्कि सामने वाली टीम एफएस है। हिटमैन एंड क्लच सोमराज बिल्कुल पीछे रहेंगे, बट वो भी यहां पर वेक्सी को कवर देने में बिल्कुल दूर रहने वाले, वो लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ऐसे बात करी जाए स्काईलाइट्स की बात करी जाती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैप रहता है उनका, बट ये स्ट्रॉन्ग जो है ये थोड़ा वीक हो चुका है, क्योंकि इस कड़ी का एक खिलाड़ी ये खो चुके हैं। गेम शुरू हुई, 2 मिनट हुए थे, 2 मिनट 45 सेकंड हुए और उसी के बीच में पहला खिलाड़ी खत्म हुआ। स्काईलाइट्स के लिए होंगी मुश्किलें, लेकिन आपके लिए चीजें बहुत आसान है, बस एक क्यूआर कोड अगर आप स्कैन करें तो आप बीजेएमएस का जो फाइनल्स का क्विज जो चल रहा है लोगों पर वो डेफिनेटली खेल सकते हैं और वहां से आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया रिवॉर्ड भी अनलॉक होते रहेंगे। अब यस इट इज, आपको बता दिया क्या करना है, क्यों आपको स्कैन करना है, फटाक से जाना है, बटला जमाई पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के रॉनी को कर देना। अब ग्लोबल ईस्पोर्ट्स में वाओ क्यों निकलता है हमारा, कॉज दे आर द प्राइम कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी एंड अभी भी पोडियम के लिए अच्छी फाइट दे रहे हैं। बंदे को एक बुलेट और लगेगी और वो बचने की कोशिश कर सकते हैं, बट कोशिश हर बार सफल हो गारंटेड नहीं होता। बट एफ एस रन एंड गन, अभी अभी स्कालाइट्स के सपने तोड़े थे बैक्सी को मारकर, अब ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के दो प्लेयरों को पहले 3 मिनट में एग्जिट का दरवाजा दिखा दिया उन्होंने। The day that they wanted to be their best is something जो कि उनसे चीजें छीनता हुआ नजर आ रहा है। टॉप 3 से वो बाहर हो चुके हैं, चौथे पायदान पर हैं। Global Esports ने आज का दिन ऐसा होगा ये तो सोचा ही नहीं होगा। Presenting winner winner Swiggy dinner. Scan the QR code for a chance. दावेदार हैं, they can make the damage, they can still prove lot of things. But yes. इस वक्त स्क्रीन पे जो हमारा ड्रोन व्यू है इनसेन के 3 प्लेयर्स को कवर कर रहा और पुकार काफी ज्यादा दूर है, साउंड तो पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा सा अगर कोई मिसटैप हो गया देन यस वो अपनी लोकेशन रिवील कर सकते हैं। हमारे जो समीक्षक हैं, जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने सबने अलग अलग टीम्स जो डेफिनेटली यहाँ पर चूज किए, मैं टीम एनिग्मा फॉरएवर का भी नाम देखा था, एक मल्टीपल नाम यहाँ पर देखे जरूर थे। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस बार कुछ
डिफरेंट आउटकम हो सकता है, क्योंकि हम देखिए जितने भी गेम्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो तीन चीज़ों पर फोकस जरूर करते हैं कि हाँ मिरामार जो है स्काईलाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उनका एक स्ट्रॉन्ग शूट है पहली चीज़। सोल वर्सेज गॉड लाइक मल्टीपल टाइम्स होता है, उसकी बात हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। केमिन की परफॉर्मेंस उसकी बात हमने कर दी, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर जैसी जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग स्टार स्टडेड लाइनअप देखने को मिलती है। आप बात करें मैक्स कैश की, डीएमआर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं दलजीत, बोल्ट एक्शन से एक अलग प्यार उनका देखने को मिलता है। 420 वेरी काम वेरी कंपोज इवन इन द टफेस्ट ऑफ द सिचुएशंस, सो आई एम प्रीटी श्योर कि यू नो ये जो टीम है ये डेफिनेटली इस गेम को अपना बनाने के लिए प्रबल दावेदारी रख सकते हैं। एग्जैक्टली, उनके पास वो सारे मटीरियल हैं, सारे क्रक्सेस हैं जो एक टीम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंड स्पेशली इन द हाई टेयर इवेंट जहाँ पर आपको प्रेशर किक इन करता है एंड आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा लेफ्ट राइट होने के चांसेस हो सकते हैं। बट येस, सर्कल का अभी भी मेजॉरिटी हिस्सा मैं बोलूँ टोरियो मादा क्रूज डेवेले टायरब्रॉन का एल हजार, ये सर्टन एरियाज हैं जहाँ पर दीज आर अनलूटेड एरियाज, वहाँ पर भी जाकर लोग लूट कंप्लीट कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो, इवन भगवान ही जानते हैं कि जो अगला सर्कल अगर वहाँ हार्ड शिफ्ट कर जाए देन फायदा हो सकता है। अभी के लिए जैसा सेंटर जो हाउस ऑफ द बॉस बोलते हैं आप, ओशियन हसियंदा दिल पैत्रों के आसपास आपको दिख रही टीम गॉडल, एफएस एनिग्मा ने भी अपनी जगह बना ली, और सैन मार्टिन का जो गांव है जो शहर है वो सैन मार्टिन एनिग्मा अपने कंट्रोल में रखना पसंद करती है। एफएस के खिलाड़ियों का स्प्लिट देखिए एकदम नॉर्दर्न साइड से लेकर के थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट के नीचे की तरफ को जाता हुआ एक डिसेंट सा स्प्लिट है उनका। वहीं पर अगर उनके जस्ट नीचे की बात करें एनिग्मा गैलेक्सी है, वहां पर हसियंदा के पीछे सैन मार्टिन के एरिया में एनिग्मा है। यस, एनिग्मा का पिछला गेम निकला जरूर, लेकिन जब मैं बात कर रहा था यू नो उनके मैनेजमेंट से और सबसे, वो बोल रहे थे कि अभी भी इतना खुश नहीं है क्योंकि जो फिनिशेज उनको मिल सकते थे पोटेंशियली वो जोन को चले गए। सैनोक में होता है ऐसा, सो आई एम प्रीटी श्योर दे डू अंडरस्टैंड इट कि कितने पॉइंट्स गए हैं और कितने पॉइंट्स वो वापस से ले सकते हैं। एंड जी ई एंड ई जी विद 132 पॉइंट्स, आई एम प्रीटी श्योर वो उसको ओवर टॉपल यहां पर करने की कोशिश जरूर करेंगे, शायद इस गेम में नहीं तो कल तक का टाइम तो है ही है उनके पास। गेट योर मैक ऑन, मतलब आज हम भी थोड़ा सा क्लीन होके आए थैंक्स टू जेलेट। आप काफी अच्छे लग रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगा। थैंक यू सो मच, आई एम फ्लैटेड ओशन। जी भाई मनीष, अब अगर वापस हम लोग गेम के ऊपर आए तो यहाँ पर इंसेन के खिलाड़ी जैसे अपना मूवमेंट्स इंडॉल करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। सोल मुझे लगता है एक बार अगर यू नो मैप पर हमारी नजर जा सके तो काफ़ी चीज़ें मैं बात कर सकता हूँ, उनमें से एक रहेगा सोल की अगर खिलाड़ियों की बात करी जाए यू नो उनका मूवमेंट थोड़ा सा दिक्कत वाला होने वाला है। एडबर्ट थोड़ा सा यू नो यहाँ से साइड से अभी के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। एक्सो की अगर बात करें लॉस्ट ने उसके बिल्कुल नीचे से वो खिलाड़ी जाते हुए दिखाई देने वाले हैं, बट वन सेकेंड मैं गुहार करूँगा। यस, अब आप देखिए सोल कहाँ पर है, एक साइड टीम फंस सकती है, लेकिन इस सबके बीच में वही अकेले नहीं है जो फंस रहे हैं। स्काईलाइट्स का मूवमेंट उनके लिए थोड़ा सा फंसने वाला हो सकता है। निग्मा गैलेक्सी का हर टीम क्रेटर फील्ड से लेकर के हसियंदा के बीच के एरिया में एक अलग ही क्लस्टर बन रहा है। अब जैसा ओशन ने भी कुछ दिनों में बताया कि हमेशा सेंटर से फोकस करते हैं, जो नेक्स्ट सर्कल होता है वो थोड़ा फेवर कर सकता है, बट यहाँ पे इनसेन के आज काफी ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़ेगा। और एफएस अभी तक जितने भी प्लेयर सर्वर से एग्जिट लिए ना, चारों का ठेका यहाँ पर एफएस ने ले रखा है। यहाँ पे शुरुआत करी थी निर्वेक्सी के साथ, फिर ग्लोबल स्पोर्ट्स के दो प्लेयर मारे, अब इन्होंने यहाँ पर इनसेन के प्लेयर्स को भी नहीं बख्शा। तो एफएस रोल कॉन्फिडेंस एक अलग देख रहा है, मेंटालिटी चेंज करी है। एफएस इतना ओपन खेलना पसंद नहीं करती है, वो पहले अपना लूट करना पसंद करते हैं फिर पोजीशन लेते हैं, बट यहाँ पे तो रन एंड गन चल रहा है, गाड़ियाँ बग्गी रन एंड गन एवरीवेयर क्रिएटिंग मेनियक गेम प्ले। बट अब जो ब्लाइंड वेल्डेमार की आस पास ड्रॉप करना पसंद करती है, लेट रोटेट करी है जो सर्कल है, इट्स अ ग्रेजुअल शिफ्ट, ज़्यादा हार्ड शिफ्ट नहीं हुआ, बट अभी भी हसियंदा वाटर ट्रीटमेंट को ह्यूज एडवांटेज मिल रखी है, बट जहाँ से 420 आ रहा है उन्हें भी फायदा होगा। Presenting winner winner Swiggy बस में बढ़ते हुए देखिए, that is the champion team and the number one team Soul and Enigma। ये Enigma वो है जो पिछले गेम को अपना बना करके गए थे, लेकिन उनके ऊपर Soul हावी होती नजर आ रही। Goblin की बात करें आप देखिए weapon switch किया जाएगा, in fact एक shot की यहाँ पर दरकार थी और Eggy को वो shot लग चुका है। दूर दराज के एरिया से Enigma Galaxy भी कोशिश कर सकते हैं, in fact थोड़ा सा damage यहाँ पर Goblin को पड़ा हुआ जरूर है। Godlike चाहते ना चाहते, मांगते ना मांगते, वो भी टीम आ ही जाती है इन फाइट्स के अराउंड। एंड यस, गॉडलाइक ने वो जो फिनिश है उठाया जरूर है। नाउ इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग एज सोल दे डू अंडरस्टैंड, अभी एक फिनिश खोया, एक एक पॉइंट से बहुत चीजें बदलती हैं। एनिग्मा के रेक्स बिल्कुल आगे की तरफ को मूव करें, अभी उसी घर के अंदर रहना चाहेंगे, कोई हलचल नहीं होगी। रेक्स शायद अक्षत से फाइट ले या फिर बिल्कुल आगे जाएंगे, अभी के लिए अपनी जगह से हटते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ी फंस चुकी है तो खुद को सेफ रखने की उनकी भी कोशिश रहेगी, लेकिन अक्षत भांप चुके हैं। एक ग्रेनेड सही से अगर कुक
हो गया तो वो रेक्स को टाउन ही करेगा। अब रेक्स का टाउन होना एनिग्मा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम मिला सकता है, बट दैट नेट डिडंट परफॉर्म जो उम्मीदें उस नेट से थी। एक और नेट, अक्षत क्या इस नेट से कुछ अचीव कर पाएंगे? बट रेक्स ने टाइम पे अपना वो मूव किया, स्प्लैश डैमेज पड़ा, 30% एचपी यहाँ पर रेक्स ने खो दी है। इट्स अ 1v1 डूल, अगर कोई भी जीतेगा सीधा मेरे हिसाब से पुश कर कंफर्म करने की कोशिश कर सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी ने यहाँ पर जिस तरीके से ओमेगा को टारगेट किया, ओमेगा हैड नो आइडिया कि इस एंगल से ही वाज वल्नरेबल, अब वो नॉक हो चुके हैं। आइजल को बचाना जरूरी है, बट हेक्टर क्या अपने आइजल को प्रेफरेंस देंगे? क्या वो वहां पर जाकर रेक्स टी को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं? उस स्मोक की दीवार के अंदर सोल के प्लेयर्स रंगे हाथ पकड़ते हुए एनिग्मा रेक्स को, नॉट एन आइडियल सिचुएशन। दे ऑलरेडी लॉस्ट वन प्लेयर, यहाँ पर एगी को खो चुके हैं, रेक्स को खोना, अब दो प्लेयर बचे हैं। ईवो भी मेरे ख्याल से एग्जिट ले चुके हैं, यस दे ऑलरेडी लेफ्ट द सर्वर। अब आईजीएल बचे हैं, उनकी पोजीशन भी कुछ क्षणों में यहाँ पर सोल पता लगाई लेगी, लेकिन उनको जाकर के देखे अपने आईजीएल को भी रिवाइव करना है, वो भी तो जरूरी है। यहाँ पर प्री नेट्स किए जा रहे हैं अभी के द्वारा, मतलब अपने घर के बारे में, अपने एरिया के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आप देखिए अपने ग्रेनेड की थोड़ी सी चपेट में आए थे, वो फिनिश नहीं देना चाहते, थोड़ी देर के लिए तो भाग रहे, लेकिन वो फिनिश लेना सोल के लिए जरूरी है। एक पकड़न पकड़ाई का खेल चलता हुआ, लेकिन उसमें गॉब्लिन ने पकड़ ही लिया, 3 फिनिशेस अपनी टीम को ला करके दे दिया। वो चौथा भी उनके पास हो सकता है, लेकिन वो जो चौथा है वहां पर गॉडले के जोनाथन ने उठाया था, तो यस अब इनको अजा करके अपने आईजीएल को वापस से रिवाइव करना पड़ेगा। एनिग्मा गैलेक्सी की अगर बात करें, उनको पता चल चुका है इस फाइट से अभी तो हटना ही पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग विनर विनर स्विगी डिनर। एनिग्मा फॉरएवर फॉरएवर कुछ देर पहले तक सर्कल से काफी ज्यादा दूर, बट अभी उनका प्रेफरेंस है सर्कल का सेंटर पकड़ना, बिकॉज अभी तो हार्ड शिफ्ट आना चालू होंगे। एयर ड्रॉप 2 ग्रोजा अंदर है उसकी 7.62 की 60 बुलेट्स और एक्सटेंडेड मैग, यहाँ पे स्नाइपर्स के लिए जो आपकी डीएमआरस भी लग सकती है, और लेवल 3 का पूरा किट है। टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड गॉडल काफी ज्यादा नजदीक। गॉडल जोनाथन ने यहाँ पर एगी का जो नॉक अपने फेवर में कन्वर्ट किया था, सोल को एक पॉइंट का नुकसान तो हुआ, बच्चों के टीम एनिग्मा फॉरएवर यहाँ पर किसी भी झड़प में नहीं फंसना चाहती, दे जस्ट वांट टू रोटेट एंड सिक्योर दैट सेंटर। 420 सबसे पहले होंगे इस काफिले को लीड करते हुए, और जो उनकी गाड़ी पार्क होगी सीधा वेयर हाउस में जाके ठीक है, क्योंकि गाड़ी की इंपॉर्टेंस मेरा मार में आप सबको पता है कितनी ज्यादा होती है। गॉडलाइक की खिलाड़ी फाइट भी देखिए उनके ऊपर भी हो रही है, और गॉडलाइक किसी भी ऐसी फाइट में नहीं आना चाहिए जहां पर वो अपने प्लेयर्स खो दे। एक फिनिश गॉडलाइक के पास आ चुका है, जो कि हम यूनो पिछले फाइट की बात कर ही रहे थे। केविन के डेल्टा पीछे एक्सो के सेंसे को डेफिनेटली टेक डाउन कर सकते हैं, एंड करेंगे भी। एक शॉट की दरकार थी, वो लगा है सेंसे इस समय बहुत मुश्किलों में, लेकिन डेल्टा पीजी के ऊपर एक्सो के बाकी खिलाड़ी शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद को सेफ रखना चाहते हैं, कोशिश उसी चीज की। 380 मीटर इनका और जोन का फासला है, तीसरा सर्कल वाटर ट्रीटमेंट के अराउंड सर्कल बनता हुआ, पर जस्टिन सेंसे जो एक्सो के आईजीएल है उनका फिनिश ला करके अपनी टीम को देंगे। लेकिन एफएस ये टीम इस समय, आप देखिए हम इनसेन को बोलते किंग स्लेयर गॉड स्लेयर, FS इस गेम में टीम स्लेयर बन रही है, हर टीम से जाकर के इंडिविजुअल प्लेयर्स उठा करके ले रही है। तो अब देखते हैं गॉडलाइक के साथ इनका क्या होता है। ये तो बहुत सही बोला आपने कि भाई किंग स्लेयर आज पूरी टीम स्लेयर बन के घूम रहे हैं, बिकॉज नो डाउट टीम यहाँ पर रोटेट भी कर रही है, फ्रैक्स भी उठा रही है, और हर टीम के लिए अनकंफर्टेबल जोन क्रिएट करती जा रही है। शुरुआत इन्होंने स्कारलेट्स की याद करी थी, फिर ग्लोबल ईस्पोर्ट, फिर आखिर में इनसेन को भी धर दबोचा। एनिग्मा गैलेक्सी के कुछ प्लेयर अभी हमें साइड पे तो दिखे, बट FS47ST कॉन्स्टेंट मार्कडाउन करके बैठे हैं, ही इज जस्ट नोटिंग एवरीथिंग। गॉडल अगर कोई भी मूवमेंट करेगी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी और एक साथ प्लान कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं पुश। ओमेगा को यहाँ पे री हील अप तो हो गया, ज़िगोट को ढेर सारा डैमेज पड़ा, टाइमली उन्होंने अपने आप को कवर में लेकर थोड़ा सा बैक करा, बट फिर से एक और बार अनंत कीर्ति की तरफ, सिक्के के दो पहलू हैं सोल एंड गॉडल, ये आसपास ही रहते हैं हमेशा। ये सिक्का लेकिन जाएगा किसकी तरफ, क्या ये सोल पे गिरेगा या गॉडल पे, यही तो सवाल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के अराउंड की ये बात रहती है, वो हेड्स एंड टेल्स जैसे कि आपने बोला वही चीज, सिक्का बीच में ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, एक ही डायरेक्शन में जाकर के गिरेगा। अगर रोहित शेट्टी मूवी डायरेक्ट करे देन हो सकता है। अब जोक मारिए ही मत, ठीक है। अभी तक अगर स्टैट बात करें बैटर यहाँ पे मास्टर सीरीज के, देन नो डाउट सोल के पास एडवांटेज है इस दूर। Well, that's a correct thing, कि उनके पास advantage, लेकिन ये FS के advantage की अगर बात करें, इनके पास positional advantage जरूर है। इनके बिल्कुल सामने एनिग्मा के लिए खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे, सर्कल टीम एनिग्मा फॉरएवर के पास है। हमने बात करी टीम एनिग्मा फॉरएवर यू नो कैसे इस गेम को अपना बना सकते हैं, उनके अच्छी खासी, लेकिन FS के खिलाड़ी एनिग्मा गैलेक्सी के ऊपर हावी होते हुए नजर आएंगे। हिटमैन ड्रीम्स को डाउन करते हुए एनिग्मा गैलेक्सी के दो खिलाड़ी इस समय डाउन है, अपोलो और विक्सकी के ऊपर पूरा भार आता हुआ। विक्सकी के पास एक ग्रेनेड रहेगा, इफ दिस कनेक्ट्स एट द राइट प्लेस FS इज गोना बी डीलिंग अप विद अ लॉट damage on themselves, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लच एक डायरेक्शन में नॉक हो रखे हैं, वो वहां से एनिग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स का एनिमीज हिट कर सकते हैं। पीछे से अगर बात करें गॉडलाइक भी मूव कर रहे हैं, हमने बात करी थी कि FS और गॉडलाइक के बीच में क्या होगा, well the answer might just be coming in and Jonathan will score again,
47 को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अब एफएस को पीछे की फाइट को भी देखना है, लेकिन सामने विक्स की आ चुके थे और एफएस देखते देखते दो टीमों के बीच में ऐसा सरप्राइज हुई कि ये प्रेजेंट उनको पसंद ही नहीं आया। अब यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी जो विक्सी है उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें नॉकआउट प्लेस को बचा सकते हैं। बट वहीं पर एफएस पे एक क्लीन स्वीप लगाते हुए टीम गॉडल #14 पे एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ब्लाइंड एक्सपोर्ट, उनके पास कोई खास फिनिशेज नहीं, 0 पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा। एफएस स्टार्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग, 5 फिनिशेज, ये देखिए 0 प्लेसमेंट, 5 फिनिशेस। और इनसेन के मैक अब ब्लाइंड के जेडी को, मतलब एवरीवन फ्रॉम द ब्लाइंड, दे लेट द सर्वर अनसैटिस्फाइड। Godlike versus Nigma Galaxy, is this a fight that's gonna happen? क्योंकि दोनों टीमें अभी सर्कल के बाहर जरूर है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए, oh, that's a good grenade, although बस स्प्लैश डैमेज दे पाएगा। दूसरी साइड से जो ग्रेनेड आया, ड्रीम्स को भी स्प्लैश डैमेज दिया, बट शैडो इस समय उस व्हीकल को डेफिनेटली बर्स्ट करेगा। बट ड्रीम्स, ही गॉट अ वॉच आउट, इट्स जोनाथन विद हिज ग्रेनेड्स, आई मीन इट्स गॉट अ कनेक्ट, उनके ग्रेनेड्स में एमबॉट है ऐसा लगता है, जाते हैं और सीधा कनेक्ट हो जाते हैं निग्मा गैलेक्सी के बाकी खिलाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ को। अपोलो और विक्स की वहीं पर देखने को मिलने वाले। जॉनी हैज टू ग्रेनेड्स, ही हैज टू लुक आउट फॉर टू एनिमीज, विल ही बी एबल टू डू दैट? आई मीन नियो दूसरी साइड से एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। जोनाथन की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट विक्स के ऊपर पूरा भारत और शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए, और सीधा फाइट करके क्रेट लेकर के अपनी टीम के पास वापस आएंगे। अब भाई जो झलकियां हमें आती है ना अपने ज़हन में, जो गॉडल हमें दिखती है कि भाई ये गॉडल घुसती है सबको मार के गिराती है, वही कर रही है, भागते जा रही है एंड फिनिशेस, ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल रखे। अब ये देखिए आरू प्रोन करेंगे, आपको पता है 416 का रूल, अगर आप प्रोन करके शॉट्स करने करते मौका नहीं मिलेगा। इमॉर्टल को नॉक कर दिया, ही इज अ बैकबोन ऑफ द टीम। सेंचुरी को वो खो चुके हैं, ये ज्यादा नेट परेशान दे सकता है। दैट स्प्लैश डैमेज, विज गॉड के एचपी 40%, आदित्य इंस्टेंटली फॉल बैक कर लेंगे, उनको पता है अगर मैं नेट मारूंगा सामने वाला यहां पर मिठाई तो नहीं फेंकेगा। बट एक छोटा सा पीक, ड्रैगन शॉट करने का आरू पे एंड ही विल बी कंप्लीटिंग आतंकी ड्रिगर, आतंकी को कंप्लीट कर देंगे। आरू बगी लेकर रोटेट करना चाहते हैं, उनको पता है कि इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होना कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करेगा। और वहीं पर आदित्य को कोई और टीम, दैट इज केमिनी स्पोर्ट द रनर अप राइट नाउ, अभी सब टीम पे प्रेशर बनाते हुए, प्रेशर बहुत ही ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एश की बात करें, ऑल राइट, एके पर 4 टाइम्स, आई मीन केपेबिलिटी तो है, अब देखना ये है कि क्या कनेक्शंस बन पाते हैं या फिर वो कॉन्फिडेंस चूर चूर होता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रिगर की बात करें, ग्रोजा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दी अनटेम्ड बीस्ट इन हिज हैंड्स, एके ओपी 21 गोलियां, रीलोड डेफिनेटली कर लेंगे, बट ओआर उनके लिए बन रही है बहुत सारी मुश्किलें। ओआर के लिए एक ही गेम अच्छा गया है, बाकी गेम पर ऐसे सवाल उठे हैं कि क्या ही कहने। आदित्य अभी फिनिश होते ही नजर आ सकते, I mean, I don't see anyone जो कि आकर के उनको इस समय रिवाइव दे सके। अब आदित्य ऑलरेडी टीम उनको बेल आउट कर चुकी है, यहाँ पर उनके लिए अब कुछ खास बचा नहीं है। बट गॉडल अब बढ़ रही है एक्जो की तरफ, एक्जो के 2 प्लेयर बचे हैं, एक प्लेयर नॉक है उनका और उनको गेम के अंदर कुछ एक ढूंढना पड़ेगा। बट दैट नीड, एक पत्थर बचा के, बट दैट सेकंड हिट फ्रॉम द जी गॉड, 1 क्या पुश करेंगे, नियो पुश करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे हिल कर रहे हैं, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा उससे देर। एक कवर फायर है जॉनी की तरफ से, फियर्स को कर दिया नॉक, काफी वेल प्लान्ड था, इट वाज एग्जीक्यूट, यहाँ पे फियर्स को मौका तक नहीं दिया, दोनों तरफ से उनको बिल्कुल रैप अप करा एंड फियर्स को जो डेस्परेट मूव लगा उन्होंने किया, अनफॉर्चुनेटली दैट मूव डिडंट ब्रिंग एनीथिंग पॉजिटिव एंड उनको सर्वर अभी छोड़ना पड़ा। अब जो स्कोर बोर्ड है अभी भी काफी ज्यादा क्लोज कर रहा है, क्योंकि सोल 152 पे है, गॉडल ने थोड़ी सी लीड को कवर करने की कोशिश करी है, 9 पॉइंट दूर है सोल। गॉडलाइक के लिए मिरामार देखिए हमेशा एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला करके दिया, आपको याद होगा गॉडलाइक के वो चिकन डिनर जो कि मिरामार के अंदर निकले थे बहुत बेहतरीन थे। बट इनसेन के जाजी एक्सो के पंख के ऊपर शॉट्स अच्छे खासे लिए हैं, वापस से उनको सेफ साइड पर जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस समय वो खुद को नहीं खो सकते, फिर इनसेन का एक ही खिलाड़ी बचेगा और फिर एकदम से जो मोमेंटम शिफ्ट है वो इनसेन के लिए खराब होता नजर आ सकता है। जाजी को दूर दराज स्काइलाइट्स के खिलाड़ी भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, शॉट्स थोड़े बहुत सौमराज पर, मतलब खुद को सेफ रखेंगे। गमला बॉय के ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से शॉट्स यहाँ पर डाले गए थे, 17-17 का डैम जैजी की तरफ से और गया है, डैमेज बढ़ाने की उनकी तरफ से कोशिश होती है, बट जोनाथन है दूसरी तरफ और सोमराज को करेंगे वो डाउन। जेली की बात करें, जेली और आरू, पहले गेम में जब चिकन आया था आदित्य आतंकी जीवित थे, इस गेम में आरू और जेली जीवित हैं, लेकिन क्या ये दोनों जीवित रह पाएंगे? इट्स टाइम फॉर पेबैक, और गेम 1 के अंदर जिस तरीके से ओआर के जो बचे प्लेयर्स ने जेली और आरू को एक बहुत बड़ा फेवर दिया था, इट्स टाइम टू पेबैक। बट नो, आई एम रॉन्ग, टॉप डॉग उसी वक्त ही नेट करके जेली को नॉक कर देंगे और आरू पर भी अब अगला हमला हो सकता है, बिकॉज रेमिनेंट के पास है मैन एडवांटेज, इट्स अ 1v3 सिचुएशन। जोनाथन सोमराज को फिर से नॉक कर देंगे और वहीं पे गमला बॉय अपनी स्कारलेट से जोनाथन को टारगेट करते हुए उनको भी नॉक कर देंगे एंड
शैडो भी नॉक हो चुके हैं। समझ ये नहीं आ रहा कि गॉर्डल यहाँ पे हंट डाउन कर या हंट हो रही है, बट शैडो को कंप्लीट कर दिया गमला बॉय ने जाने से पहले। सोमराज भी कंफर्मेशन, स्काईलाइट इज गेटिंग एलिमिनेटेड, उनको इस गेम में मिलेंगे टोटल 3 पॉइंट्स। ओआर का भी सफर इस गेम में खत्म। अभी अभी मैं और रोशन यही बात कर रहे थे क्या आरू अंजलि कुछ कर पाएंगे, बट अफसोस अभी के लिए ये जवाब होगा ना। 8-bit जूसी केमिनी स्पोर्ट को हंट डाउन करते हुए जस्ट इनको नॉक किया, फिनिश कर दिया एंड दे आर मूविंग ऑन। अभी सबसे ज्यादा फिनिशेस जो मैप के अंदर है वो गॉर्डल के पास है, उनके 3 पेयर जिंदा है, 1 पेयर नॉक है, उनके पास है 10 फिनिशेस। 10 फिनिशेस लेकिन नंबर और भी बढ़ाने, एक खिलाड़ी खत्म हो चुका है लेकिन बाकियों को तो वो बागडोर संभालनी पड़ेगी अपनी टीम को आगे लेकर के जाने की। ओजी की बात करें, ड्रेगर इस समय टैप शॉट दे रहे हैं जो कि काफी ज्यादा सही रह सकता है, हालांकि वो जो कंफर्मेशन है वो निकालनी पड़ेगी। केविन का हो चुका है एलिमिनेशन, द टीम दैट वॉज ऑन द सेकंड पोजिशन नाउ हैज ड्रॉप डाउन टू द थर्ड। ये ड्रॉप और ज्यादा नहीं चाहिए बट गॉट लाइक इज ही गॉट, ही स्टिल गोइंग फॉर द फाइट्स। देव होना टेक डाउन, गॉर्डल का जो दृढ़ निश्चय दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है, और वही देखिए टॉप डॉग काफी ज्यादा ओपन के अंदर, उनको पता नहीं था कि इस तरफ से भी यहाँ पर उनकी तरफ गोलियां आ सकती है। एंड आई बिलीव हमारे एनालिस्ट में से किसी ने तो टीम एनिग्मा फॉरएवर पर अपना भरोसा दिखाया है, एंड अभी तक टीम एनिग्मा फॉरएवर दे डिडंट लूज अ सिंगल प्लेयर। टॉप डॉग को बचाना इज इम्पॉसिबल, उस वैन का कंट्रोल ले रहे, अगर वो वैन को फोड़ते हैं देन कंफर्मेशन हो सकता है, बट 8-bit के प्लेयर भी अभी ताक लगाकर टीम एनिग्मा फॉरएवर उनके निशाने पे है। अगर टीम एनिग्मा फॉरएवर को ऑफ गार्ड पकड़ा देन एक एक करके सारे प्लेयर के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गॉब्लिन को बड़ा स्प्लैश डैमेज, That grenade, 10% HP, one more hit, और एक अगर छल्ला भी लग जाए, but yes, it is. Goblin out of the game. Z-God का grenade, Goblin को लेकर के जाता हुआ, Godlike के shadow जो IGL हैं, वो हो चुके थे finish, but बाकी खिलाड़ी अभी के लिए अपना 11वां finish उनके हिस्से में, उनके खाते में आया है और फिनिश उठाने हैं। बगी लेकर के जाना नॉट द वाइजेस्ट चॉइसेस, ओजी के लिए भी ये बात शायद लाजमी हो सकती है, लागू हो सकती है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर 420 की तरफ से ग्रेनेड जाएगा। इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट, यस इट डज, हु इज गॉड, हैज बीन टेकन डाउन। एक ही ओपी की एचपी थोड़ी सी लो है, एश की भी एचपी लो है, लेकिन वो खुद को हील कर लेंगे, वो जो स्मोक है विज गॉड को अभी के लिए बचाता है, बट व्हाट इफ 420 has another one or team enigma forever decides to push. अब यहां पे team enigma forever है ना, दो-दो का split ले रखा है, यहां पे 3-2 हुआ, वहां पे max अकेले फंस रखे, उनके सामने एक gordel है और यहां पे team है, max timely वापस आना चाहेंगे, but Jonathan इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। ओपन में आप रोटेट करते वक्त पकड़े के लास्ट टाइम पर देन इंस्टेंटली ADS खुलेगा, आपको नॉक कर दिया जाएगा और अगले सेकंड आप सर्वर से बाहर जाते हुए देखेंगे। अभी तक जो मैंने एडवांटेज एंजॉय करी थी team enigma forever, अब वो एक प्लेयर खो चुके हैं, दैट प्लेयर इज max काश। अभी सर्वर में एक ही टीम है जिसके चाल पे that is OG. AJ will be getting one more knock for the team. Ab team Gordon, Insane is in danger. AJ ne confirm kiya, Insane bhi eliminate hogi 7th paydan mein with 4 finishes. 6 team, 16 player, 24 minute almost hone ko hai game mein. You know the most important part is jab max catch ko finish kiya, Godlike got the circle, they got the zone for themselves. Lekin aap bhi apne liye ye QR code scan karke utha sakte hain badhiya badhiya winner winner chicken dinners, but wapas se agar game ke andar entry mare na, ek bahut important stat main aapko batata hu. MVP ranking mein is game ke andar abhi ke liye agar overall baat kare to Goblin is 2.78, but Jonathan with this game is 2.72. चार और फिनिशेस अगर उन्हें निकाल लिए, इनफैक्ट पांचवा फिनिश जब उनके पास आएगा तब जाकर के वो अपने आप को नंबर वन देख सकते हैं एमवीपी में। क्या वो इस गेम में होगा या फिर अगले गेम में, वो वक्त बताएगा, बट 8-bit के जूसी, ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव, टीम एनिग्मा फॉरएवर, दे हैव टू विन, रेवरेंट ऑन टू द बैकलाइंस, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, कल का मेरा मार इनका नहीं था बट आज तो कोशिश करेंगे। मिरामार में हमेशा इंटेंस सिचुएशन बनना काफी लाजमी होता है, पैराडॉक्स अभी अपनी टीममेट के साथ सर्वाइव करे बट काफी ज्यादा ओपन के अंदर, बट सर्कल अभी किसी को भी इतना हार्ड टाइम नहीं देगा। अदर ओनली टीम हु कैन बी इन द सफर मोड कैन बी गॉर्डल, वो थोड़ा सा जोन उनका सर्कल में है, बट जॉनथन आई थिंक उनको थोड़ा रोटेशन तो करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं उनको कंफर्म करना है वो एरिया खाली है, बट वहाँ पे 8-bit के जूसी है। क्या ये घर गॉर्डल को एक तरीके से शेल्टर दे सकता है, बट जूसी स्पॉट हो चुके हैं, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश, एक और गोली काफी देगी, बट जूसी कैन नीड हिमसेल्फ इन 8-bit गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6th पोजीशन विद 3 फिनिशेस। 5 टीम जीते के चांसेस ओजी के पास है, कॉज मैन एडवांटेज उनके फेवर में है, बट बाकी सारी टीम्स 21-21 और 15% पर आ चुकी हैं। लुक एट द एमवीपी रैंकिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए ये कैसा सीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, जो कि एक एक सीरीज का है जो एक बहुत बड़े क्लिफहैंगर पर आज खत्म हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बहुत क्लोज जा रहा है। इस गेम के बाद टॉप 5 है हमारे पास, तो इस गेम के बाद डेफिनेटली गॉडलाइक कोशिश करेगी कि वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर ले, फिर आज का दिन खत्म करना पड़ेगा उनको फर्स्ट पोजीशन में, अदरवाइज सोल लास्ट गेम को कुछ अलग तरीके से खेलने ही वाली है। गॉडलाइक के पास 3 खिलाड़ी अभी भी, यस ओजी के चांसेस है बट ओजी पे सर्कल नहीं है, जोन में आने के लिए उनको ओपन से ही भागना पड़ेगा, और ओपन से भागने का मिरामार में बस एक ही मतलब बनता है, पनिशमेंट। अब जो गॉर्डल की पोजीशन है वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है, वहीं पर टीम एनिग्मा फॉरएवर दे आर होल्डिंग द सेंटर,
अगर स्मोक बॉल बनाकर ओजी करती है कुछ फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे रेफिन टेक ट्राइड टू रोटेट थ्रू अ बग्गी बट इनको रुको मौका तक नहीं दिया। ए क्यू ओपी वाज सो प्रिसाइज विद हिज एम4, इंस्टेंटली 3x खोला और नॉक एंड फिनिश करते हुए देखेंगे एनकोर को। बट एक प्लेयर क्यों यार अभी भी वो पीछे है, ही वांटेड ही वाज देयर टू गिव द कवर बट जिस एंगल से उनको फाइट हुआ क्योया को मौका तक नहीं मिला अपनी टीम प्लेयर को बचाने का। क्योया अभी मेरे हील बैटल कर सकते हैं, थोड़े पॉइंट और गैदर कर सकते हैं, बट ओजी के पास 4 रुपए जिंदा है जिसका सबसे बड़ा डर बाकी टीम को फील होना चाहिए, बिकॉज मैन एडवांटेज ऐसी सिचुएशन में आपको ढेर सारे पॉइंट दिला सकता है। ओजी के खिलाड़ी उस दीवार तक आ चुके जो सर्कल में, लेकिन अगला सर्कल 100% उनके ऊपर नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब टीम एनिग्मा फॉरएवर के हिस्से में उनकी जगह में थोड़ा सा ओजी को कुछ भी करके स्क्वीज आउट होना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर मैक्स कैश को खो चुके थे। अब देखिए इन्होंने पोजीशन पर कितना अच्छा खेला, दलजीत के पास 2 फिनिशेस और टीम के पास टोटल 3। टीम एनिग्मा फॉरएवर ने प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा गेम निकाल लिया, बट क्योया को डाउन किया जाएगा नियो के द्वारा और वो फिनिश उठाने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज अगर विस्गार्ड को दिख गए क्योया तो डेफिनेटली वही फिनिश उठाते नजर आएंगे। इस समय क्योया का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, जोन उनको लेकर के जगह मतलब गॉडलाइक के नाम, गॉडलाइक के खाते में एक और फिनिश आता हुआ। बट अब जोनाथन वो वापस से बाजी मारना शुरू कर चुके, एक स्प्रे में आई एम प्रीटी श्योर 2 प्लेस को डाउन किया, लेकिन गुल भी डाउन हो चुके एक ओपी के द्वारा। टीम एनिग्मा फॉरएवर रेवरेंट के खिलाड़ी पैराडॉक्स को देखिए, उनकी बस दरकार रहेगी एक बार अगर पीक कर लिया तो 420 उनको डाउन कर सकते हैं। पैराडॉक्स के एज भी बहुत ज्यादा कम है, ग्लोबल स्पोर्ट के एज उनको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। नकुल डाउन हो चुके हैं मतलब एज के ऊपर आता है बाहर, लेकिन इस सब चीजों के बीच में रेवरेंट का ग्लोबल स्पोर्ट का होता हुआ एलिमिनेशन। द फाइट इज बिटवीन गॉडलाइक टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड ओरैंगुटान, लेकिन स्पॉट किया जा चुका है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। ओजी माइट नॉट survived this at all as Jigar he is burning down in that molotov aur baaki khiladi OG ke bahut zyada mushkilon mein hai। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आके बैठी है ना कि ओजी के पास बस एक छोटी सी दीवार है कंट्रोल में, अगर एक प्रॉपरली कुक नेड आया टीम एनिग्मा फॉरएवर की तरफ से या गॉर्डल की तरफ से, देन ओजी का बचा मुश्किल होगा। बट जोनाथन ओ माय गॉड डू जस्ट स्टॉप, यू जस्ट डिड ब्रिंग द सर्वर आउट। अब 3v3 सिचुएशन है यहाँ पर एंड ओशन अब लग रहा है अगर जोन को देखते हैं गॉर्डल के पास एडवांटेज हो सकती है, बिकॉज उनको कुछ खास मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जोनाथन वो MVP रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, गॉडलाइक ओवरऑल में नंबर 1 जाने से बस एक पॉइंट दूर है। यहां पर जहां भी एलिमिनेट हो 12 या 15 नंबर 1 तो गॉडलाइक इस गेम के बाद देखने को मिलने वाली है। मेरा मार गॉडलाइक के लिए अच्छा रहता है, इतना ज्यादा अच्छा कि यहां पर तो ये गेम निकालते नजर आ रहे। एक प्लेयर को 8 का डैमेज दिया जो कि ओवेश ने वाले बिल्कुल आगे की तरफ आ चुके थे, उनको डाउन करने की पूरी पूरी कोशिश नहीं हो कर जरूर है। ओवेश की HP आप देखिए बहुत ज्यादा कम, बाकी खिलाड़ियों को भी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जोनाथन खुद को हील करते हुए नजर आएंगे, 17 फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने, 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉडलाइक निकाल जाए, लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहां पर दरकार रहने वाली है। गॉडलाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए हैं, दलजीत ही वांट्स टू बी स्पॉटेड डाउन, वेल ही इज स्पॉटेड डाउन, बट जोनाथन विद 10 फिनिशेस फॉर हिमसेल्फ, 10 फिनिशेस, ये नहीं रुकेगा। 11वां सामने है इस खिलाड़ी का और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं। ही इज द MVP राइट नाउ, ही डिड नॉट कम हियर टू कंपीट, ही केम हियर टू रूल and he's ruling as godlike gets a brilliant winner with a chicken dinner for themselves। yahi dekhna tha aapne, dekh lijiye ye wohi team hai kahan se ghoom kar aayi aur kahan pe pahunch gayi। the number of finishes, the style they played, amazing। muskan dekhi pata chale ki team mein kitni khushi hai, the difference was huge, but aakhri mein jab wo position point add honge ab team godel ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली है, क्योंकि ये दिन अभी तक इनके फेवर में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ओह गॉडलाइक, सांस ले लीजिए, मानता हूं ये इमोशनल टाइम ऐसे होते हैं, मैंने बोला है ना, देयर आर सर्टेन टाइम यू कांट कंट्रोल दिस गाय दिस शर्मा, यही फ्लो ही फ्लो, देयर आर सर्टेन गेम्स यू कांट कंट्रोल जोनाथन। ओह नो डाउट, मतलब जिस तरीके से ये प्लेयर यूटिलिटी यूसेज करता है, मोलोटोव हो, ग्रेनेड हो, सो प्रिसाइज एंड इफेक्टिव, और इतने क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट। ओजी का डिमाइज कैसे हुआ, ही स्टार्टेड द जर्नी, आखिरी में जो नॉक्स थे, नियो ने पहला नॉक निकाला, उसके बाद इवेंट हेड दलजीत को नॉक करा और आखिरी में 420 को भी ऑफ गार्ड पकड़ कर जॉनी 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 एवरीवन जी गॉड नियो शैडो, ये लाइनअप मुझे पुराने गॉड के प्योर फील देते थे। गॉड लाइक जोनाथन लैन पे हाईएस्ट फिनिशेस एक तरीके से निकालने का यहां पर इनका जो ये रुतबा था, वाज जस्ट इनक्रेडिबल। इनके पास पहले भी रिकॉर्ड है, बट इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। मेरे एनालिस्ट को कितना मजा आने वाला है अब मैं बस सोच के खुश हूं।